रिलायंस कम्युनिकेशन, क्या अभी हमें इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या फ्यूचर होने वाला है इस स्टॉक का, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के अंदर आपको क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं आरकॉम के अंदर, क्या ये स्टॉक एक मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है, डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। माय नेम इज उत्कर्ष शर्मा, दिस इज मार्केट प्राइम। वही अगर हम आपसे बात करें ना, 1.85 काफी इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। 1.85 आप यहां पे देख पा रहे होंगे, जैसे ही इस स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेकआउट करा था, काफी अच्छी एक अप्रैली हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को मिली थी। उसके बाद ये स्टॉक के अंदर एक कंटिन्यू चैनल के अंदर रन करा था। वहीं अगर अभी हम आपसे वॉल्यूम्स की बात करें, काफी अट्रैक्टिव वॉल्यूम अभी हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। आरएसआई के अंदर भी एक अप ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। आरएसआई की जो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू आपके में होती है वो 14 की होती है, हम यहाँ पे 3 का आरएसआई यूज कर रहे हैं। ये इंट्राडे की आरएसआई की सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी जो आपको 3000 से लेके 5000 तक भी इंट्राडे के अंदर अर्न करके दे सकती है, अगर आपको एक अच्छा सेटअप मिल जाता है तो। ज्यादा जानकारी के लिए ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा आरएसआई की स्ट्रेटेजी के लिए। वहीं अगर अभी हम आपसे बात करें, आपने इस स्टॉक के अंदर अगर ऊपर के लेवल पे बाय कर रखा ना सर, अभी आपको इस स्टॉक के अंदर होल्ड करके चलना चाहिए। मूविंग एवरेजेस के अंदर अभी हमें एक स्टॉक के अंदर एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, लेकिन जैसे ही एक करेक्ट बाइंग, अगर आप फ्रेश बाइंग या करेक्ट बाइंग की अगर हम आपसे बात करें, 1.85 के लेवल को जैसे ही ये ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा ना, अच्छे वॉल्यूम के साथ काफी अच्छे टारगेट अभी हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम आपसे 1 वीक के रिटर्न की बात करें, 3% के आरकॉम पॉजिटिव रिटर्न दे चुका है, 1 ईयर के अंदर 112% के पॉजिटिव रिटर्न दे दिए आरकॉम ने। वहीं अगर हम यहां आपसे बात करें, किस प्राइस पे आपको इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी, और क्या टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, 1.85 करेक्ट बाइंग लेवल होने वाला है अगर आप शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा 1.20 के लेवल को, जैसे ये नीचे के लेवल पे ब्रेकआउट देता है ये स्टॉक वीक हो जाएगा। अपसाइड सीन या टारगेट की हम आपसे बात करें, जैसे ये 1.85 के लेवल को ब्रेकआउट करता है अट्रैक्टिव वॉल्यूम्स के साथ और 3 के आरएसआई के अंदर अगर हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिलता है इस स्टॉक के अंदर, 2.20 के भी हमें फर्स्ट टारगेट देखने को मिल जाएंगे और सेकंड टारगेट 2.80 के देखने को मिल जाएंगे। जो मल्टीबैगर प्राइवेट चैनल है ना, उसके लिए आपको हमारे लिंक से डीमैट खुला के मेल आईडी जो आपको दे रखी है उस पर आपको क्लाइंट आईडी आपकी शेयर करनी होगी। जैसे ही आप हमें क्लाइंट आईडी शेयर कर देंगे, हम प्राइवेट मल्टीबैगर चैनल के अंदर आपको ऐड कर लेंगे। वहां पे हम इसी टाइप के स्टॉक्स आपके साथ शेयर करते हैं। मिनिमम कैपिटल अगर आपके पास 5000 से लेकर 10000 होगी तो काफी अच्छा आपको एक इन्वेस्टमेंट के लिए फायदेमंद होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके मार्केट प्राइम फैमिली मेंबर बन जाइएगा। हम आपसे मिलेंगे इसी टाइप की दूसरी वीडियो में।